खमा गणिसा, मेरा नाम है आरती चौहान और कुक विद एपीके में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ एकदम मसालेदार चटपटी करारा भिंडी रेसिपी जो सबको पसंद होती है और अभी इनका सीजन भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट बनने वाली मसालेदार भिंडी रेसिपी। मसालेदार भरमा भिंडी बनाने के लिए हमें भिंडी थोड़ी बड़ी साइज की लेनी है और चाहिए हमें हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन और घर के जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हमें भिंडी को अच्छे से साफ पानी से धो के सूखे कपड़े से पोंछ के अलग साइड में रख देना है। भिंडी में पानी नहीं रहना चाहिए। भिंडी में अगर पानी रह जाता है तो वो बाद में चिपचिपी हो जाती है और लार छोड़ने लग जाती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भिंडी हमारी अच्छे से सूखी हो और इसे इस तरह से बीच में से कट लगा के सबको ऐसे देखना है कि बीच में कीड़े वगैरह ना हो, अच्छे से साफ काट लेना है। एक एक करके मैंने सारी भिंडी के कट या चीरा लगा दिया है। अब हमें भिंडी के अंदर भरने के लिए मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पर, और लहसुन ली है। लहसुन थोड़े ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे और इनको अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर आप मेरी माने तो इसे हाथ से ही पीसे क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, प्याज को भी थोड़ा बारीक दरदरा पीसना है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए, और ऊपर से डाल देंगे काली मिर्च, काली मिर्च को भी अच्छे से पीस लेंगे। फिर हमारे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं जो मैंने पहले बताया आपको, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। पानी डालते समय ध्यान रखिए कि पानी हमें थोड़ा सा डालना है जिससे हमारा पेस्ट अच्छे से बन जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारा। भिंडी में अंदर भरने के लिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसे आराम से जो हमने कट लगाया है उसमें भर देंगे और ध्यान रखिए कि भिंडी हमारी टूटनी नहीं चाहिए, टूट जाएगी तो फिर दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। और एक एक करके सारी भिंडी में अपन मसाला है जो डाल देंगे। जिस तरह से मैं आराम से भिंडी में मसाला भर रही हूँ आप भी वैसे ही भरें, जल्दबाजी ना करें, जिससे हमारी भिंडी भी नहीं टूटेगी और मसाला भी अच्छे से अंदर आ जाएगा। और पूरी भिंडी को ऐसे पैक करना है हमें। सारी भिंडी में मैंने मसाला भर दिया है, आप देखिए सब एक साइज में एक तरह दिख रही है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि भिंडी को हमें तेल में ही फ्राई करना है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और बीच में ऐसे हाथ लगा के चेक करना है कि तेल हमारा गर्म हो गया है ना। फिर उसमें डालेंगे हम भिंडी। भिंडी को एक एक करके जमा जमा के डालना है, इसे एक साथ नहीं डालना है। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ वैसे आप सारी भिंडी को जमा के डालें। भिंडी मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो एक लेयर मैंने सीधी बिछाई है और उसके ऊपर एक लेयर वापस रखी है। एक एक करके मैंने सारी भिंडी को ऐसे जमा लिया है। फिर शुरू के हमें 2 मिनट बस भिंडी को ढकना है, ज़्यादा भिंडी को नहीं ढकना है। बस शुरू के 2 या 3 मिनट आप इसे ढक सकते हैं और ज़्यादा ढकने से इसमें लार पड़ जाएगी, तो हमें लार नहीं पटकनी है, हमें क्रिस्पी बनानी है भिंडी। बीच बीच में भिंडी को पलटते रहना है, चाकू या छोटे चम्मच से आप इसे पलट सकते हो। देखिए कितनी मसालेदार चटपटी भिंडी लग रही है। और अच्छे से क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इन्हें ढकना नहीं है और तेल में अच्छे से फ्राई करना है। 10 मिनट में हमारी भिंडी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए कितनी क्रिस्पी और मसालेदार भिंडी लग रही है। और इसे अलग प्लेट में निकाल कर आप सर्व करिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।